कांग्रेस पार्टी का सवाल है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में नहीं है। इनका नेता पूरे भारत में पैदल फिर रहा है और जो कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली में हुकूमत की थी, जिसको आपने वोट देकर यहाँ पर मोहतरमा शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि एमसीडी के चुनाव में उनके कोई नेता या लीडर नजर नहीं आते। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना आपके वोट को जाये करने के बराबर है। शिक्षा जुलाई 2019 में लेकर आते और ऐसा गंदा अमेंडमेंट लेकर आया कि दिल्ली में एनआईए का कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी जगह पर बैठे टेररिस्ट का ऐलान कर सकता है, उसको टेररिस्ट घोषित कर सकता है। अमेंडमेंट कानून के खिलाफ होना, पूछो ये केजरीवाल से क्या इसने यूएपीए कानून का साथ नहीं दिया। आज भी यूएपीए के कानून में खालिद सैफ की जेल में सकता है, कई नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में कर रही है। पूछो ये कांग्रेस पार्टी से, यही कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए अमेंडमेंट बिल का अमित शाह के लाए कानून का लोकसभा में सपोर्ट किया, किसने उस कानून की खिलाफवर्जी की, किसने कानून के खिलाफ सपोर्ट किया, तो नाम आया याकूबुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज अली। मेरे पुलिस दोस्तों और बुजुर्गों, हर मसले पर हिजाब का मसला उठा करना न चाहे, जब से पहले उसकी तारीफ में बोलने वाले का नाम मंत्री से इत्तेहाद मुस्लिमी है। पूछिए ये कांग्रेस को, पूछिए ये जनता भी जांच से, पूछिए बोलो हिजाब मसले के ऊपर तुम्हारी राय क्या है, तो नहीं बोलेंगे। अरे आपके हर मुद्दे पर, हर मसले पर हम बोलते हैं। अब चुनाव आया है तो जो कानून बैठे आप क्या उनको वोट देंगे, या जो आपके लिए लड़ते हैं सदा और निकाल बुलंद करते हैं, याद रखिए वोट देना तो आपका काम है, मगर अगर आप कानून सहने वालों को वोट देंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि हम तमाम बड़े लोग खामोश कर देंगे। यकीनन भाजपा को हराइए, मोदी को हराइए, हमारी भी ख्वाहिश ये है कि बीजेपी हारे, मगर बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लक्ष्य कदम पर चलते हुए भारत की सियासत से मुसलमानों को गैरत कर दिया। आज न केजरीवाल के पास उसकी जबान पर मुसलमान का नाम आता, न कांग्रेस के पास लफ्ज मुस्लिम आता है। बताओ आप फिर क्या करने वाले हैं? आप याद रखिए, हम हर बार एक एक महीने का इंतजार नहीं कर सकते, सियासी ताकत के जरिए हम तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इख्तदार किसी के पास चला जाए मगर आपका नुमाइंदा होना जरूरी है। अगर लड्डन भाई कामयाब होंगे और होंगे जाएंगे तो आप उम्मीद रहिए कि वो आवाज उठाएंगे। सिर्फ जाकर नगर के बारे में हमारी राय नहीं लड़ेगी बल्कि दिल्ली में जहां कहीं भी ना इंसाफी होगा, सज्जन भाई और हमारी बहन उस ना इंसाफी के खिलाफ उठेंगे और लड़ेंगे। आज आपको लड़ने वालों की जरूरत है, आज आपको अपनी आवाज से उठाने की जरूरत है। बताइए कौन है आपकी आवाज, क्या केजरीवाल तुम्हारी आवाज है, क्या ये छोटा भी कार तुम्हारी आवाज है, कांग्रेस तुम्हारी आवाज है, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है, तो फिर तुम्हारी आवाज कौन है बताओ, कौन है तुम्हारी आवाज, कौन सी पार्टी तुम्हारी। लड्डन भाई का साथ देना है, इस शख्स को आप अपने इत्तेहाद और अपनी दुआओं से नवाजिए। बड़े मुश्किलात का सफर इसने तय किया है, बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना किया है। मैं लड्डन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ,
कि उन्होंने महापुरी से फैसला लिया है और आपके सोच में और सोच समझ कर 4 दिसंबर के दिन अपना एक एक वोट लड्डन भाई को देकर पतन के निशान पर आप कामयाब करेंगे।